कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। विजयदशमी के अवसर पर शुक्रवार सुबह से मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बंगाल समुदाय की विवाहिता महिलाओं ने माता रानी का सुंदर श्रृंगार किया। इसके बाद महिलाओं ने एक दूसरे के साथ सिंदूर की होली खेली और जमकर नृत्य किया। दोपहर बाद माँ की मूर्तियों को विसर्जन के लिए हॉल से बाहर निकाला गया। मंदिर के पुजारी अमलन गोस्वामी ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेकर विजयदशमी यानी दशहरे तक दुर्गा उत्सव मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि राम रावण के युद्ध के समय विजय के लिए देवताओं ने माँ की पूजा अर्चना व हवन किया था और उसके बाद राम ने रावण का वध और माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। इसी के चलते मंदिर में दशमी के दिन सिंदूर की होली को खेला जाता है। मेरा नाम अमलन गोस्वामी, मैं कालीबाड़ी का पुजारी हूँ। हमारा कालीबाड़ी में नवदुर्गा का पूजा होता है, नीचे माँ का पास, माँ काली का पास, और ऊपर षष्ठी से दशभुजा दुर्गा को जगाया जाता है और उनका पूजा अर्चना किया जाता है। संधि में संधि पूजा, अष्टमी में अष्टमी पूजा और नवमी में नवमी हवन पूर्णाहुति और लास्ट में दशमी में विजयाकृत्य। तो आप लोगों को पता है राम रावण का जब युद्ध हुआ था तो इंद्र आदि देव ने पहले ये दुर्गा जी का पूजा किया था। क्यों किया था? माँ दुर्गा का जयलाभ के लिए। तो उन्होंने 9 दिन पूजा किया, नवमी को हवन किया और हवन करने के बाद माँ का
महिषासुर को माने संहार कर दिया। तो तब दशमी को क्या करते हैं, इसीलिए गुलाल खेलते हैं, गुलाल नहीं सिंदूर खेलते हैं, इसको हमारा गुलाल नहीं है, ये सिंदूर है। ये सिंदूर खेला होता है, माँ का वरण होता है, स्त्री आचार होता है, और उसके बाद प्रतिमा को पानी में निरंजन करते हैं, मंत्रों से विसर्जन होता है, उसके बाद पानी में निरंजन करते हैं।